वेलकम टू कैरियर न्यूज एंड सॉल्यूशन फ्रेंड। जो है बहुत एक अच्छा मौका है बिहार में, जो है 2200 टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवी की जो है बहाली होने वाली है, होने जा रही है। और इसके लिए जो योग्यता है वो 10वीं पास रखा गया है। और आपको आवेदन कैसे करना है, कहाँ जमा करना है, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आप देखिए बेटे, यहाँ पे है कि बहाल होंगे 2200 टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवी। पूरा डिटेल में क्या न्यूज आया है आपको हम पढ़ के बताते हैं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए, टोला सेवक जो है वो क्या, उसका काम होता है और सैलरी कितना दी जाती है और कहाँ इसके लिए आवेदन करना। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली मैट्रिक पास है। और इसके लिए जो कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं लिया जाएगा, आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म ही जमा करना है। और इसकी बहाली जो है वो जो है आपको पंचायत लेवल पे होगी, प्रखंड लेवल पे होगी। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। और इनका जो काम है वो ये है कि टोला, एक वार्ड में जो टोला है उसमें बच्चे सब जो हैं उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना। और स्कूल अगर वो नहीं जाते हैं तो उनके आवेदन को सॉरी उनके जो गार्जियन को, अभिभावक को समझाना और उनको स्कूल में दाखिला दिलवाना, यही इन सब का काम है। और शिक्षा स्वयं सेवी टोला सेवक का तो एक और काम है, विकास के लिए सरकार के सारे योजना सबको निचले तबके के लोगों तक को पहुंचाना और समझाना। तो सूबे के दलित महादलित पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों में शिक्षा की लौ जलाने तथा सामाजिक उत्थान के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए करीब 2200 यानी 2200 टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवियों की जल्द बहाली होगी। शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवियों की बहाली तैयार कर ली है। अब देखिए इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो जो है इसमें 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी जो SC यानी शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के समुदाय से बिलोंग करते हैं या संबंध रखते हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए अभी पूरे जो है राज्यभर के लिए 20,000 टोला सेवक और 10,000 शिक्षा स्वयं सेवियों की संख्या निर्धारित है। महादलित दलित अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के टोलों के 30,000 शिक्षण केंद्र चिन्हित किए गए हैं। 30,000 में से 27,800 टोला सेवक शिक्षा सेवी जिलों में एक ट्रेनिंग होनी है। इसके बाद टोला सेवक एवं शिक्षा सेवियों को चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। नवंबर तक चयन का लक्ष्य रखा गया है, यानी नवंबर तक चयनित कर लिया जाएगा। अब देखिए कहाँ पे आवेदन देना, इन लोगों को जो है 10,000 मानदेय मिलेगा। तो टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवियों के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक लोगों को आवेदन स्थानीय स्तर पर टोले में ही जमा करना होगा। राज्य या जिला प्रखंड स्तर पर उनके आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया भी तब शुरू होगी जब नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाएगी। DM के स्तर से ही वैसे केंद्र अथवा टोले का चयन किया जाएगा जहाँ टोला सेवक एवं शिक्षा सेवी नियुक्त किए जाएंगे। तो यह प्रिंट और देखिए इनको 10,000 मिलेगा। और ये अनुभव जिनको है सामाजिक काम करने से उन किए हैं कभी सब में, उनको वेटेज भी मिलेगा 10। तो ये आपके लिए एक अच्छा न्यूज है। और आप लोग इसके लिए जो अगर जब आएगी तो थोड़ा सा आप लोग कंसस रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, ताकि इसमें आप बहाल हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, नमस्कार। बने रहिए इस चैनल पर, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।